हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फिर से एक बार आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ को हम लोग जारी रखेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सतारिया या सत्रिया जो भी बोलो आप इसे, एक ट्रेडिशनल हिंदू क्लासिकल डांस है। जी हाँ, ये हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। आपको बताना कि ये किस स्टेट से, ये बहुत फेमस है ये डांस फॉर्म, इस स्टेट से, ओडिशा से, मणिपुर से, गोवा से या आसाम से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, सतारिया जो ट्रेडिशनल हिंदू नृत्य है, डांस फॉर्म है, ये आपको मिलेगा कहाँ, आसाम में। कहाँ मिलेगा, आसाम में। ये आसाम में बहुत ही पॉपुलर है और आसाम में ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। 4 के साथ आपको जाना था। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, माँ भारती के सपूत वेबसाइट, ये वेबसाइट क्यों बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड, यानी कि जो भी आर्मी या फिर किसी भी जवान जो कि अगर वीरगति को प्राप्ति हो जाती है, शहीद हो जाते हैं वो, तो उन्हें जो है इस वेबसाइट के द्वारा उनके फैमिली को सपोर्ट दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, आपको ये बताना है सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो कि हमारे प्रैम्बल में जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूएंस में, किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे, 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट करके आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सबमरीन जिसका नाम है INS अरिहंत, यहाँ से आपको दिख रहा होगा सबमरीन, पनडुब्बी हिंदी में बोलते हैं इसे। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLMB टेस्ट, ये देखिए रिसेंट न्यूज़ में है, इसके बारे में डेवलपमेंट आपको पढ़नी है। ये न्यूक्लियर वेबसाइट है, ये जो है न्यूक्लियर है, जहाँ से आप जो है इस सबमरीन में न्यूक्लियर बम वगैरह भी जो है एक जगह से दूसरी जगह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये चीज़ें यहाँ से आप देख पाओगे। और हम लोग देखिए, इंडिया जो है नो फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी को हमेशा से फॉलो करता रहा है, यानी कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम पे अटैक हुआ तो ही हम उस कंट्री पे न्यूक्लियर बम पे अटैक करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग पहले तो यूज़ नहीं करेंगे। ये चाइना की भी पॉलिसी है, इंडिया की भी पॉलिसी है। आगे देख लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ अ सांभर सॉल्ट लेक सिचुएटेड, सांभर सॉल्ट लेक जो है पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान, ये कहाँ पर है। तो देखिए आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में ये आपको सॉल्ट मिल जाएगा, जो कि ये राजस्थान में सिचुएटेड है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दूं, 99 में मेरे हैंड रिटन नोट्स आप एक्वायर कर सकते हो yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। जी हाँ, 99 रुपये में आपको आर्मी स्कूल के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। याद रखिएगा, मैंने 3 times आर्मी स्कूल्स क्वालिफाई किया है, तो ये आपके बहुत काम में आने वाला है। ये एक्सपीरियंस के साथ नोट्स को तैयार किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिस्ड इंडियाज फर्स्ट कदावर सेलेंडर लॉरिस सेंचुरी, ये कहाँ पे बनाया गया सेंचुरी आपको ये बताना है, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में या तेलंगाना में। इसे जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए, याद रखिएगा ये कहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे देख लो, तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये कहाँ से बनाया गया है, तमिलनाडु पे, याद रखिएगा इस बात को। और कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड नंजारयान टैंक एज अ बर्ड सेंचुरी, तो तमिलनाडु में ये जो है बर्ड सेंचुरी भी बनाई गई थी। ये मैंने पहले ही करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ा रखा था, ये रिकैप हो गया आपके लिए। विच नेशनल पार्क हैज़ बिन गिवन द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022, तो देखिए ऑरेंज नेशनल पार्क को ये अवार्ड मिला हुआ है। इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच मिनिस्टर हैज़ ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्फ्रेंस बेटी बने कौशल ऑन स्किल ऑन नॉन ट्रेडिशनल लाइवहुड्स फॉर गर्ल, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एंड एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहां से आप देख पाओगे, ये स्किल जो डेवलप की गई है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा की गई है। और याद रखिएगा, यहां से आपको एक फोटो दिख रही होगी स्मृति जुबैन ईरानी की, ये इसकी मिनिस्टर है, इनकी मिनिस्टर है, याद रखिएगा आपको। इन विच स्टेट लेजिस्लेचर सेशन अ डे हैज़ बीन रिजर्व फॉर वुमेन मेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जो है एक दिन को जो है रिजर्व रखा गया, बहुत अच्छी बात है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड मिशन वात्सल्य स्कीम, मिशन वात्सल्य स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। वात्सल्य यानी कि ममता, प्रेम की बात हो रही है, तो जो है ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच स्टेट MP अपराजिता सारंगी हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द इंटर पार्लियामेंट यूनियन पैनल रिसेंटली, तो वो कहाँ से आती है, हरियाणा, राजस्थान, केरला या ओडिशा से,
देखिए नाम से आपको कुछ कुछ आइडिया लग जाना चाहिए था। ये ओडिशा से आती है। कहाँ से आती है? ओडिशा से। और हम लोगों की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में दो चीज़ें याद रखिएगा। उनका जो ओरिजिन है वो ओडिशा से आती है। दूसरी बात कि 1947 के बाद पैदा होने वाले वो फर्स्ट प्रेसिडेंट है। इनसे पहले सारे जो भारत जब गुलाम था उस समय की वो जो है सारे लोग जो है पैदा हुए थे। आज़ाद भारत में पैदा होने वाली प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू है। फायदा अजीम अ फीमेल रिपोर्टर फ्रॉम विच कंट्री हैज़ वॉन द पुलित्ज़र अवार्ड। तो बांग्लादेश से ये अवार्ड जीता गया है, याद रखिएगा पुलित्ज़र अवार्ड के बारे में। इन विच सिटी द 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो शिमला में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। तो हम लोगों की रैंकिंग यहाँ पे कितनी आई थी, तो यहाँ से आप देख पाओगे हम लोगों की जो रैंकिंग थी यहाँ से आप देख पाओगे। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हर स्टेट हर बार जो है ये कंप्लीट डेटा नहीं ली जाती है। ये सब में ये इनके ऊपर जो है एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, लेकिन इस बार जो हम लोगों की रैंकिंग आई है वो यहाँ से आप देख पाओगे। ये रैंकिंग क्या है 44, और नीदर डेनमार्क जो है टॉप 3 में फिर से रहे हैं, याद रखिएगा इनको भी पूछा जाता है। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देख लीजिए, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव आ नीडल फ्री वैक्सीन। नीडल फ्री वैक्सीन यानी कि बिना सुई चुभाए वैक्सीन लग जाए, बड़ी काम की चीज़ है। चाइना ने यह कर दिया है। विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग। तो लंदन को इसे रखा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 7th इंडियन आर्ट फेस्टिवल कहाँ होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, चेन्नई या गुवाहाटी में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ये 17th एडिशन है, याद रखिएगा इस बात को। और नेशनल कैपिटल में ये हुआ, एक्चुअली यहाँ पे जो है गैलरीज लगाई गई है नेशनल कैपिटल, 450 आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री से ये सारे लोग आए हैं। यानी कि आपको आइडिया लग चुका होगा ये कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। और कुछ और क्वेश्चन को देख लीजिए आप। विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ लॉन्च द SMB साथी फेस्टिवल इनिशिएटिव? व्हाट्सएप ने ये किया हुआ है। वेयर इज द 3rd नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हेल्ड? तो न्यू दिल्ली में ये हुआ था। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ से ये रहा, एक और क्वेश्चन, मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है किस जो स्पोर्ट से रिलेटेड है, नीचे कमेंट करके इसके बारे में आप बताइएगा। फिर से आप लोगों को दोहरा दूँ एक बात, 99 में आप जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्वायर कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद आप सभी का।